एक तेलुगु मूवी के टीजर का रिएक्शन लेकर मैं आ चुका हूँ। ठीक है, मूवी का नाम कुछ ऐसा है कि मिस शेट्टी, मिस्टर पोली शेट्टी, ये मूवी का नाम है। ठीक है, ये तेलुगु लैंग्वेज में भी आया है, साथ ही साथ अभी कुछ ही देर पहले, कुछ ही दिनों पहले, एक दो दिन पहले, तमिल लैंग्वेज में भी आया है। हम रिएक्शन करने में थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, ठीक है, 2 दिन लेट हो चुके हैं, मतलब सॉरी, वो शायद से कल आया तमिल वाला। तमिल वाले पे व्यूज़ अभी कुछ भी नहीं है, तेलुगु वाले पे 4.1 मिलियन व्यूज़ है, उस पर 1 लाख भी व्यूज़ नहीं है अभी। ठीक है, तो डायमंड कर लेते हैं पहले। इसमें हमने नवीन सर होने वाले हैं, जो कह सकते हो छिछोरे मूवी में थे, मतलब जिसमें सुशांत सिंह सर थे ना, उसमें, उस मूवी में एक सर थे। ठीक है, उनका रियल नेम नवीन था, नवीन है मतलब, ठीक है, नवीन पोली शेट्टी। ठीक है, तो वो है इसमें, तो वो आप देखकर मतलब पहचान जाओगे शायद से। महेश बाबू तो मेरे हिसाब से नहीं है उनका नाम रियल, तो शायद से नहीं, हाँ ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है, अपने नवीन सर है, मैं दिखाता हूँ, देखो तो वो भी है इसमें। ठीक है, अपने मतलब महेश सर तो हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ ये वाले सर जिन्होंने छिछोरे मूवी में काम किया है, मतलब उन्होंने इसी में नहीं, उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी मूवीज़ में काम किया है इन्होंने, मतलब ठीक है, मैं तो बस इस मूवी को पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा था। हाँ सॉरी, कोई और सी वीडियो देख रहा था मैं, ठीक है, गेम प्ले वीडियो थी वो। तो हम डाइव इन करते हैं इसके टीज़र पे, तो छोटा सा ये 1 मिनट 2 सेकंड का, जल्दी से निमट जाएगा, आ जाओ। सबटाइटल्स ऑन है, फुल टाइम मैजिक का दो। ओके शेफ है अपनी हीरोइन, ఇక్కడ యూజ్ చేసే ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ టెక్స్చర్ ఫ్లేవర్ టెస్ట్ చేసి మెజర్ చేసి ప్రిసైజ్ గా వాడాలి నా కూతురు ఏమన్నా సామాన్యురాలు అనుకుంటున్నావా ఎప్పటికీ పెళ్లి చేసుకో పోయి ఇంకేమన్నా చూసుకోరా హాయ్ ఐ యామ్ సిద్ధు ఫుల్లీ ప్రొఫెషనల్ స్టాండ్ అప్ కామెడియన్ ఐ కెన్ డు క్రిప్టో కరెన్సీ జోక్స్ ఆల్దో ఐ హావ్ నో కరెన్సీ నీకు ఎంత డబ్బులు ఇచ్చారు మా వాళ్ళు ఓకే నేను జోక్ కర్తా హూ క్రిప్టో కరెన్సీ కరెన్సీ వాలే లేకిన్ మేరే పాస్ అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా కామెడీ చేస్తాను మా హోటల్ లో స్టాండ్ అప్ For women's rights and national anthem. अच्छा, इन्होंने अपने घर वालों को ही नहीं बता रखा कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, ओके? सिचुएशन संबंध लेकर कॉमेडी जैसा। हाँ। बाइसेप्स पैदा होने का था, मी इंजेक्शन इरी पोत जार था। ओके। नी टाइमिंग एप्पड़ इंते ना? कॉमेडी टाइमिंग मात्रम परफेक्ट का उन्तुन मैडम। ठीक है, ये जो लाइन थी, इज योर टाइमिंग ऑलवेज बैड, टाइमिंग मतलब परफेक्ट, बट माय कॉमेडी टाइमिंग इन स्पॉट ऑन, सही है, मतलब कॉमेडी टाइमिंग मतलब जिस स्पॉट पे मुझे कॉमेडी करनी होती है वो मैं उस टाइम पे कर देता हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं टाइमिंग के हिसाब से मतलब पूरा हूँ टाइमिंग में। ऑल ओवर ठीक है, अपनी जो हीरोइन है वो एक प्रोफेशनल शेफ दिखाई है, अपना जो हीरो दिखाया है वो एक प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन दिखाया है, लेकिन उसने अपने घर वालों को नहीं बताया कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, इससे यही पता चलता है। इसी वजह से मतलब उसके घर में कलेश रहते हैं, क्योंकि उसने अपने घर वालों को तो बताया नहीं है कि वो क्या जॉब करता है, और वो पैसे भी नहीं लाता है। ठीक है, तो वही है, बाकी अपना हीरो अपनी हीरोइन के मतलब थोड़ा बहुत लव में थोड़ा बहुत गिर गया है, वो भी हमें दिख रहा है। देखो जैसे कि यहाँ पे वो बोलने वाली थी कॉमेडी जैसा अपनी हीरोइन कि मैं एक होटल में स्टैंड अप इन अवर होटल मतलब ये हमारे होटल में एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, स्टैंड अप फॉर वुमेन्स, मतलब उसने टॉपिक चेंज कर दिया क्योंकि ये बताना नहीं चाहते थे भाई साहब फॉर बाकी ठीक है, ऑल ओवर मुझे ठीक लगा, तुम बताओ अपना ओपिनियन, अपना सुझाव, अपना नजरिया, मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। ठीक है, बाकी कमिंग सून कोई डेट, कोई टीज़र मतलब सॉरी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है इस टीज़र में, बाकी ये सिर्फ 4 लैंग्वेजेस में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा, ये कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल में आएगा। ठीक है, मूवीज़ और बाकी बस यही लिखे 2023 में आएगा ये मूवी एक्चुअल में, बाकी कब आएगा देखते हैं, बाकी इसका अभी तो ट्रेलर भी आना है तो देखते हैं, उसको भी हम रिएक्ट करेंगे, उसमें हमें और ज़्यादा क्लियरली या और ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा कि एक्चुअल मूवी में क्या होने वाला है, किस टॉपिक पर मूवी होने वाली है। बस अभी तो हमें शॉर्ट सा ग्लिम्स बताया, दिखाया गया कि ये होने वाला है, ये ऐसा ऐसा कुछ होगा, बट एक्चुअल में किस किस पर ऐसा ऐसा कुछ होगा वो तो देख से ही मतलब ट्रेलर देख के पता चलेगा। बाकी ऑल ओवर मुझे अच्छा लगा, तुम बताओ ओपिनियन, मुझे ठीक ठाक लगा, विजुअल्स अच्छे हैं, साउंड अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, ये सब तो अच्छा ही है, लैंग्वेज का कहीं ना कहीं मुझे बैरियर दिखा इसलिए मैं ठीक ठाक बोल रहा हूँ, बाकी टॉपिक भी अभी पता नहीं चला ना इसलिए ठीक ठाक, बाकी ट्रेलर देखकर हम जरूर से पूरा थम्सअप देंगे, अभी भी दे रहा हूँ लेकिन फिर हम इतना बड़ा थम्सअप देंगे। ठीक है, बाकी चलते हैं, लेते अलविदा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दो, मुझे समझाओ इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या आपको कुछ समझ में आया इसके अंदर, इस टीज़र को देखकर भी कुछ समझ में आया आपको, अगर आया तो जरूर से बताओ, बाकी मैं चलता हूँ, बाय।